मंगलौर की अगली खबर है। नवनियुक्त प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी के आवास पर लगातार सामाजिक संगठनों का उनके स्वागत के लिए तांता लगा हुआ है। भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर श्यामवीर सैनी को बधाइयां दी है और उनका स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार श्यामवीर सैनी को सम्मान देकर हरिद्वार की जनता को सम्मानित किया है। श्यामवीर सैनी ने भी बीजेपी आला कमान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। जो भी हमारे पार्टी और संगठन को उचित लगा मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और अपने जो अन्नदाता हैं, जो गन्ना उत्पादक हैं, कृषि प्रधान हमारा जिला है, इनकी सारी बात को धरातल से जो इनकी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाने की मैं कड़ी हूं। मैं एक सलाहकार, हमारी जो जो कमेटी है वो उचित सलाह देगी और हमने दिया भी है कि वास्तव में हमारे ज़िले में गन्ना बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है बाढ़ से। जो है समाज के को जोड़ने की, जो है हमारा समाज पहले भी राष्ट्रवादी समाज है, ये राष्ट्रीय विचारों का समाज है। हमारे संगठन के लिए बहुत ही खुशी और गर्व करने का विषय है और आज भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के सभी पदाधिकारी माननीय श्यामवीर सैनी जी को बधाई देने के लिए उनके निवास पर पहुँचे हैं और माननीय श्यामवीर सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य मंत्री बनाकर न केवल सैनी समाज का अपितु सभी सर्व समाज का सम्मान किया है, हरिद्वार की जनता का सम्मान किया है, क्योंकि वो पूरे हरिद्वार और उत्तराखंड के जन जन के नेता हैं। तो मैं समझता हूँ उसी उपलक्ष्य में आज भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के पदाधिकारी आए हैं, उनको शुभकामना दी है। मैं आज इस कार्यक्रम में पहुँचे अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।